नमस्कार मणिभोज को स्वागत मुस्मी प्रथम देखने हेडलाइंस आज राज्य में कमिपे ताती कालबैशाखी आशंका थी कमिबा ग्रीष्म प्रवाह आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना तीन दिन है राज्य में जारी रही हिटवेव राजधानी में आतंकराज बोमामाड़ करने संघबद्ध आक्रमण अभियोग घरे पशि हाणिले दुकान और अटो भांगे जड़े युवक गुरुतर दुई महिला आहत राज्य में संपूर्ण बिजुली वितरण व्यवस्था टाटा पावर को देले राज्य सरकार टाटा पावर हाथ को नेस्को परिचालना दायित्व पूर्व सेस वेस्को साउथको कोरीज अधीन को नहीं संस्था उत्कल विश्वविद्यालय गोल्ड मेडालिस्ट चयन में चंचकता सर्वाधिक नंबर रखि छात्री तालिकार बाद प्रश्न घेरें विशेष सविता आचार्य उत्तर विशेषज्ञ कहे ग्रेस मार्क आवश्यकता ना पक्षपातिता को नहीं डाकिले छात्र छात्री पुरिला कंट गलानी कष्ट मार्च 31 जाए डेडलाइन बढ़ुते भी 280,000 अधिक चाषी धान बिक्री वंचित बीजेपी अभियोग विधानसभा मिछ कही मंत्री कंग्रेस विमर्शला बीजेडी कहला 18% अधिक धान किणी सरकार न्याय लड़े वर्ष वर्ष धरी न्याय उपेक्षित अनेक पर राजनैतिक हस्तक्षेप को नहीं पुलिस व्यवस्था उपरक उठिला अंगुली कुजंगर उल्लास जेना महांगर दीप्तिकांत उतलार अक्षय पथा एवं प्रतिश्रुति रखिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उत्कल विश्वविद्यालय विकास पाई दान कले वर्षक दरमा ट्विट कर शुभेच्छा जनाले राज्यपाल 2019 यूनिवर्सिटी विकास पाई वर्षक दरमा देवाक घोषणा करथिले केन्द्रमंत्री आज राज्य में ह्रास पाइब ग्रीष्म प्रभाव कालबैशाखी आशंका थी कमिपे ताती राज्य में 3-4 डिग्री जाए ताति कमार संभावना रही एने आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना देखते गत 2-3 दिन धरी राज्य विभिन्न सहर में तापमात्रा बढ़िबार लगी मंगलवार बारिपदा और बुधवार भुवनेश्वर अधिक तापमात्रा सह उत्तप्त सहर पलटिता गत काल 42.7 अनुगुल और तालचेर 2 शहर में सर्वाधिक तापमात्रा रही ये जो स्पेल हिटो स्पेल टी गत 3 दिन धरी ओडिशा अनुभूत होार जो तीव्रता थी ता मैक्सिमम रे पहुंची सही सारी जो उत्तर पश्चिम दिग्वर पवन प्रवाहित ओडिशा पाखे पहुँचुला तार तीव्रता कमिया को जाऊँगी समुद्र आड़ पवन ओडिशा आड़ को प्रवाहित हो जहाँफल कि थंडरस्ट्रम घड़घड़ी जमीन वर्षा होवार आम आकलन करूँ जिते कौन गोटे थंडरस्ट्रम घड़घड़ी जमीन वर्षा होता है से हठात तापमात्रार ह्रास पाई है कि गोटे गोटे दिन में 3-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाए राजधानी में पुणी बोमामाड़ एयरफील्ड थाना अधीन सुंदरपदार आजाद नगर में बोमामाड़ हो पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर बोमामाड़ होता अनुमान कर गाँ सभापति चयन को नहीं दुई गोष्ठी मध्य कथा कटाकटी होता यह केन्द्र कर बोमामाड़ कर सूचना मिली एक बोमामाड़ पर जन को खंडे आक्रमण करनापड़े एईज आहत होता जमापड़ी एजेडर किसी कुजी नेता संप्रति लोक सूचना देखते दि तीन दिन तले आम गाँव में गोटे मुरबी मीट चलता से गोटे झमेला होता आम मुरबी मानक गाड़ी से जो झमेलें आमर एफआईआर टाक ये रजिस्टर न करी एफआईआर को रजिस्टर कर आम को पीसीआर बुले गोड़ आम कौन कलु कोर्टे एफआईआर लंच करी पठेलु रिपोर्ट से ही मुझे एफआईआर मानने एफआईआर देलावाला मोहम्मद तस्लीम खान मु जोटा ताकू ग्रस करी मत आज घर मो घर काम हो मत से टेक आंक दुकान सामने मत हाँ ये बीजेडी नेता सब बड़ बड़ नेता ये मैंने बोमा कर घर सामने बोमा भी कर बुझिपार आम हाँ ये जो आम मीट होता गाँ मीटे से जो झमेला सब बच्चे बैठी ने गोल घूम के हमारे हंसी मजाक होते हैं वो उधर से जल्दी के बैठ खोलो करके इसको पीटिन हमारे भीतर से ताला डालिन थे वो ऐसा मारी ना हमारे रोध हो के सब तरफ रूम को भाग गई ना वो बम फेंकते इधर लट्ठी में पीटते बम फेंकते लट्ठी में पीटते हमें सब रोध हो के भीतर पूरा भाग गई ना उसते ही में सब बच्चे रोते कोई भी नहीं हमारे उस टाइम वो 8-10 आदमी महंगे सबको सब 8-10 आदमी है और ओड़िए बच्चे हैं मुसलमान भी हैं सब हैंगे इधर को हमारे उतना चिंते भी नहीं किसको
और सब कुछ सब हेंगे यहाँ पर ये करते। उत्कल विश्वविद्यालय सांघातिक चंचकतार अभियोग बिवाद घेरें विश्वविद्यालय विशेष सविता आचार्य स्टाटिस्टिक विभाग रे जे सर्वाधिक नंबर रखिछंती तांको गोल्ड मेडल पाई मनोनीत करा जाय नाही जहाँ को नहीं प्रश्न उठी बीसी जो ग्रेसमार्क गोल्ड मेडल दि जाइला कहते सन्देह पड़ुछे छात्र छात्री भी घटना को नहीं एक प्रकार तीव्र प्रतिक्रिया देछंते। उत्कल विश्वविद्यालय चंचकता भूल पिलांकु गोल्ड मेडल देवे उपराष्ट्रपति सर्वाधिक नंबर रखिथिबा छात्री गोल्ड मेडल तालिकारु बाद कम नंबर रखिथिबा छात्रींकु उपराष्ट्रपति करिवे सम्मानित प्रश्न घेरें भिसी सबिता आचार्यंक उत्तर पक्षपातिताकु नै तातिले छात्र छात्री उत्कल विश्वविद्यालय स्टाटिस्टिक्स विभाग रे 2000 मार्क रु 1624 मार्क रखिछंती तनुश्री राउत से टॉप करिछंती हेले गोल्ड मेडल पाइबेनी तांको ठारु कम नंबर 1615 मार्क रखिथिबा अन्य जनकु सम्मानित करिवे उपराष्ट्रपति जहाकु नै एबे विवाद बढिछे आउ विवाद को आसिछंती उत्कल विश्वविद्यालय रे भिसी सविता आचार्य उत्तर रखिछंती तनुश्री को प्रथम सेमिस्टर रे ग्रेस मार्क दिया जाइतला तेणु से गोल्ड मेडल पाइबा पई योग्य नुहे जहार जवाब रखिछंती तनुश्री अमर अछि जे जो माने 58 नंबर रखथिबे तांको ग्रेस करिके 60 दिया जाय सेमिते दुईटा सब्जेक्ट रे से ग्रेस पाई करे आगुरु जेहेतु पाई चंती सेथि पई से गोल्ड मेडल पई एलिजिबल हेले नाही तनु नेक्स्ट हाईएस्ट जहार अछि ताकु दिया हला मैडम जो कहले 58 रखी कि तनुश्री कर सेकंड डिविजन हे जाउथला तो आमे ताकु फर्स्ट डिविजन करै देइछु तो मु जानिबा को चाहू जे 58% रे कोन ग्रेस मार्क 2 मार्क ऐड करले 76% हे जइबो 2 मार्क ग्रेस मार्क रो वैल्यू एते बेसी बोली मु त आज फर्स्ट टाइम पई सुनु एबे बडो प्रश्न विश्वविद्यालय रे कहा को दिया जाउ छी ग्रेस मार्क रो आधार कोन सेमिस्टर रे दिया जाय ना एग्रीगेट रे ग्रेस दिया जाय जदी मोट ऊपर दिया जाय ताले तनुश्री को सेमिस्टर रे काहे की दिया गला ग्रेस मार्क परे भी 76% नंबर केमिति रखिले तनुश्री ना जानी सुनी अन्य कहा को गोल्ड मेडल देबा पई ये एक बड़ षड्यंत्र उत्तर रखिबे कि उत्कल विश्वविद्यालय रो भिसी सविता आचार्य आमर जेतिकी नीति नियम अछि गोटे पिला 5टा सेमेस्टर 6टा सेमेस्टर जेतरा सेमेस्टर अछि सब परीक्षा दे सला परे तार टोटल जहाँ हम से जी टोटल रे फर्स्ट क्लास पाउछि ताले से अनुसार ग्रेडेशन मिलियो आउ सेठे कोनोसे ग्रेस मार्क देवार प्रश्न उठु नाही इटि उठी गोटे पिला फर्स्ट सेमेस्टर रे 58% गोटे कि जोड़े पेपर रखी ताको ग्रेस मार्क दिया जाइछि किन तार टोटल मार्क जदि आपण नेबे ताले देखिबे तार फर्स्ट क्लास रु अधिका होउछि तनो ग्रेस मार्क दबार आवश्यकता सेठ नथिला नियम भी नाही काही कि ताको ग्रेस मार्क दिया जाइछि आमे के कहि परुनो मु मधु आश्चर्य मु जेतिक नीति नियम जानिछि सेठ ग्रेस मार्क दबार आवश्यकता नथिला सेपटे ए प्रसंग रे तातिछंति छात्र छात्री विभिन्न विभाग रे चलिथिबा चंचकता ने प्रश्न उठाइछंती ता सहित आंदोलन रो धमक भी दैछंती देखंतु एडा यूनिवर्सिटी खाली तनुश्री कथा नुए जदि आपण देखिबे यूनिवर्सिटी रो सब क्षेत्र रे यूनिवर्सिटी रो कर्तृपक्ष कहार निर्देश रे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो से मुख्य शासन सचिव हो कि हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ कि अनुसाऊ हूँ तक तत्वावधान में यूनिवर्सिटी चलुची यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कतर आरंभ कर शिक्षा क्षेत्र सब क्षेत्र में मानते सबुति पातरअर चलती आ राजनीति चलती तनुश्री सहित आम अच्छे देखो ये तो गोड़ी मैटिक भी राजनीतिकरण कर प्रति डिपार्टमेंट राजनीति प्रति मानते प्रति अफिस राजनीति भिसी आरम्भ रेजिस्ट्रार पर्यटन राजनीति राजनीति बिना बोधे यूनिवर्सिटी चलुनि एकाडेमिक पॉलिटिक्सियन मैंने चलाउं बोधे आने के चलाऊ ना गोटे झील जीवन सह खेल भी पछाऊ ना तो आज्ञा बर्तमान विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष गोटे अदृश्य शक्ति द्वारा परिचालित होती जो मैंने निजस्व कौन कार्यक्रम कर निजस्व कौन से आईडिया ना जो भाई भाव तनुश्री को न्याय मिलूनी आर गोल्ड मेडल को चांचल्य कर दि जाऊँगी दृढ़ निंदा करा प्रश्न कहीं गोल्ड मेडल रु वंचित हे तनुश्री गोल्ड मेडल चयन आधार कौन कहीं विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष पात्र अंतर स्पष्टीकरण रखिबे कि भिसी सविता आचार्य भुवनेश्वर सतरूपा सामंतरायंक सह सुशांत साहूंक रिपोर्ट अर्गस।
नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे चासिंकु ठकी देले सरकार। मार्च 31 सुधा सब पंजीकृत चासिंक धान किणिबे बोली विधानसभा रे कहिथिले मंत्री, किंतु एबे राज्यर विभिन्न मंडी रे पड़ी रहिछि हजार हजार बस्ता धान। जदि खोद सरकार को हिसाब देखिबा तेबे पाखापाखि 3 लाख एबे सुधा धान बिक्री करि पार नाहंते, जाहाकु नै सरकार को उपरे बर्षिछन्ते विरोधी। कंठ सरिला हेले कष्ट गलानी, कथा दे भंडेई देले मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई। ये हेउछि भद्रक जिला बंत ब्लक सेंडतिरा सेवा समवाय समितिर दृश्य। धान बिक्री टोकन लाभ सेवा परे एबे धान मंडी सम्मुखरे शताधिक चाषीक धारणा। गोविंदपुर और सेंडतिरा पंचायतर 903 जन चाषी धान बिक्री पाई पंजीकृत होबा सह टोकन पाइथिले। फेब्रुआरी मास 2 तारिखरु 18 तारिख मध्यरे प्राय 375 टोकन लाभ होता बेले 12,000 क्विंटल धान संग्रह हो पारिना। संबलपुर जिले में समान समस्या, एवं भी कुचिंडा जमनकिरा और बामरा ब्लक मंडी पड़ रही हजार हजार बस्ता धान। नवेम्बर 19 धान किणा आरंभ होता बेले मिलर्स मान दादागिरी जो धान किणारे व्यापक अव्यवस्था देखाई। जमनकिरा ब्लक तहसील लेंस ग्राम पंचायत आरआई ऑफिस गुड़िकर मध्य 2 मास धरी धान बस्ता रखी विक्षोभ कले चाषी, हेले सबु उद्यम फेल मारिछे। एवे जमनकिरा मंडी रे 22,000 धान बस्ता पड़ी रही बेले कुचिंडा उपखंडर विभिन्न मंडी रे 40,000 अधिक धान बस्ता मंडी मानक पड़ी रही। झारसुगुड़ा जिला हिरमा गाँवर चाषी दिलीप बढ़ी, दिलीप जड़े बड़ चाषी होता बेले चलित खरीफ्रे मोट 414 क्विंटाल धान बिक्री पाई पी पास पंजीकृत करते मात्र 300 क्विंटाल धान बिक्री करी पारी। केवल दिलीप नुहंती, चलित वर्ष झारसुगुड़ा जिलार 100 चाषी टोकन और टार्गेट चक्कर रे धान बिक्री रु वंचित। ये धान यदि सरकार नहीं नेले मुझे इन्हें काणा करमी कि काणा बोल करबी कि खेती करबी, ओदा धान बरसा रे भी खेती हो गलानो तो आउ काणा करबी। मुझे धान बिकले आज्ञा आम ऋण खुचुची कि आम छुआ पिला बाहबरपन गुटे भी करार था मूरी वर्ष से भी करना पाली तो भल गाई खेती है कहीं करमा इन्हें खेती है ना कहीं बुद्धि बाटे आम सोनपुर नहीं कि 10 टकर नहीं आम इन तो भड़ा नहीं तो किसी नहीं मिले फायदा आज्ञा। ये सरकार के मोदे गोटे निर्लज सरकार तेने इतिहास बोधे मोर इटा लिपिबद्ध हो रहा जे इनता आम के होता मुझे देखी के विभाग मंत्री जन कही 31 तारिख भितर आम धान उठाम तो आम आज आसिक मंडी अपेक्षा कर आई भेल केतेबेले ऑफिसर माने आबे अमर धान उठाबे बोली करी केने केने गोजा हेकरी धान पड़ी छे मुसा खाई देकरी सब ये कर देन काणा करमु एटा आमे बाध्य हेकरी देमु धान आउ न पड़ी रहित बागे। जो माने नकली चासी ताका धान उठी जाई छे तेनु जो चासी मानकर धान बिक्री कले जो मानकर चुली जळे धान बिक्री कले पिला पाठ पढ़े धान बिक्री कले मेडिसिन किणा जाय सेई चासी माने एठी बसछन आइगा पाखा पाखी 100 रु अधिक चासींकर टोकन आमर एठी लैप्स करि जाय छी। दुर्नीतिर विधिवत तदंत हेउ आम टोकन को रिवैलिडेट करंतु ए चासी माने रक्षा पांतु टिके भलरे बंचंतु। मु चासी हिसाब रे कहू जे माने चासी रे सरकार नहंती ये माने तिले मात्र माने तिले मात्र सरकार रे रहिबा कथा नहु मुख्यमंत्री इस्तफा देबा कथा विभागीय मंत्री भी इस्तफा देबा कथा इमानकर जदि माने कथा रे जदि किछि मूल्य नाही इमान मुख्यमंत्री जी कहले से पालन कर पारे नहीं मैंने आमर ओडिशार अवस्था कण है चाषी मान अवस्था कण है। सारा राज्य में चलित बर्ष 14,72,495 जन चाषी पी पास पंजीकृत कर 31 मार्च सुधा 11,92,012 जन चाषी 62.93 लाख मेट्रिक धान राज्य सरकार कि चलित खरीफ्रे 31 मार्च पर्यंत धान किणवाई सरकार डेडलाइन स्थिरीकृत करता बेले 2,80,000 अधिक चाषी धान बिक्री करिपारी जहाँ नहीं प्रश्न उठाई विरोधी। बीजेपी नेता प्रदीप पुरोहित कहते विधानसभा मिछ कहते मंत्री राज्यवासी एथपाई क्षमा मागंतु सरकार। राज्य सरकार चाषी विरोधी बोली कांग्रेस कहिछे। शासक दलर सफे ए वर्ष 18% अधिक धान किणा होइछे। ओडिशा सरकार विधानसभा घोषणा ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रतिश्रुति सत्वे मार्च 31 तारिख सरीगला आज 1 तारिख उत्कल दिवस आज पर्यंत गोटे बस्ता धान कौन मंडी ए सरकार उठाइले ना 31 तारिख पर्यंत राज्य सरकार घोषणा करते धान मंडी उठाइवापी उठाइले ना समस्त चाषी को जिते चाषी टोकन पाई लैब्स हो जो मैंने 1200-1300 टकर बिकिंट केन्द्र सरकार 1868 टाँचा दौर बाकी पैसा
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଆକାରରେ ସେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତମେ କେମିତି ବାହାଘର ଚାଷୀ କାହାକୁ ବାଛିଲ, କେଉଁ ନାଡ଼ି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବାଛିଲ, ଗୋଡ଼ ନାଡ଼ି ନା ହାତ ନାଡ଼ି ନା ଛାତି ନା ପିଚା ଲଜ୍ଜା, କାହିଁକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଉପହାସ କରୁଛ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରହସନ ଆଉ କରନି, 21 ବର୍ଷ ରହିଲଣି ଏବଂ ଆମ ଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରି କିଣା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏପରିକି ସେ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା କରାଇଦେଲେନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ, କେତେ ଧାନ ଉଠିଛି? ଏ କହୁଛନ୍ତି 18% ଅଧିକ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ହୋଇଛି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଅବଗତ ହେବେ, କେବଳ ଖାଲି ପ୍ରଚାରଧର୍ମୀ ନ ହୋଇକରି ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସ। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରିଲା କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣା ସରିନି, ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ବଳକା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେବେ କିଣିବେ ସରକାର, କାହିଁକି ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଣାଗଲା ନାହିଁ ଧାନ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ସରକାର କହିଲେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ହେବ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣିବ କିଏ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଦଲାଲଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ, ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ଏକାଠି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟରେ ଉପେକ୍ଷିତ ପରିବାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଅସମର୍ଥନ ବା ଶାସକ ଦଳର ହାତ ପାରି ସାଜିଛି? ବଙ୍କପାଳ ଉଲ୍ଲାସ ସେନା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ, ମହାଙ୍ଗା ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମର୍ଡର କେସ୍, ଉଦଳା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅକ୍ଷୟ ପୋଥାଳ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଭୁଜଙ୍ଗ ଅମୃତ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସ, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏହି ଘଟଣା ସବୁରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚେପା, ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ। ଅକ୍ଷୟ ପୋଥାଳଙ୍କ ମା ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ମା, ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ଭାଇ, ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଆଗକୁ ସାମିଲ ହେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବାର। ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ପଙ୍କପାଳ, 2016 ପଙ୍କପାଳ ଉଲ୍ଲାସ ସେନା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ବିତିଛି 5 ବର୍ଷ, ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପାରାଦୀପ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଚାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ହେଲେ ମୂଳ ମାମଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବାରୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲି। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ, ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ରଖିଲେ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ବି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ କରିଛୁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ କେସ୍ଟିକୁ ନେଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଏ ଦାବିପତ୍ର ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଅମୃତ ଦାସ କୁଜଙ୍ଗ, ଏ ବୃଦ୍ଧା କୁଜଙ୍ଗର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଓ ଅମୃତ ଦାସର ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ନା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଶୁଣିଲା ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ବି କରିଥିଲେ ସୁଲୋଚନା, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆମର ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ହ୍ୟୁମାନ କମିଶନର ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ନା ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ? ଆଉ ଆମର ସେଥିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମେ ନୁହଁ, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ କିଛି କଲେନି, ଆଉ ତେଣିକି ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଯେତେ ଇଏ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ଅଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାକେ ଏମିତି ଆମେ ଜୋରଦାର ଜାରି ରଖିବୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, 10ରୁ 15 ପରିବାର ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ସବୁ
ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇକରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇବୁ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଆଉ ସେଠି ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ବସିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠୁ ଉଠିବୁନୁ। ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଙ୍କେ ଯିବୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ତେଣିକି ଆମର ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆଉ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ କେସ୍ର ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ। ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମହାଙ୍ଗା 2014 ମହାଙ୍ଗାରେ ଘଟିଥିଲା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିଲେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ସେପଟେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଛତିଆରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ସାମିଲ। ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦେଇ ଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାଇଟା ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି? ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଏଇ କଥା ଭୁଲିପାରିବି? ମୋ ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଆଜି ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇ କଥାକୁ? ଆଉ ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ତା ନାଁ ପୋଲିସ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ, ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ପୋଥାଳ ଉଦଳା ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ବେହେରା। 2016 ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲ୍ଟା ଛକ ସାଇ ରେସିଡେନ୍ସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅକ୍ଷୟ ପୋଥାଳଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଖଟରୁ ପଡ଼ି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିଲେ ବି ମା ସୁବାସିନୀ ଆଣିଥିଲେ ହତ୍ୟାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ନାଲି ଫୁଇତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ତଦନ୍ତ। ଏଇ ମା ଲଢୁଛି ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇ। ଗୋଟେ 62-63 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯେ ପୁଅକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦିଏ, ମୋ ପୁଅକୁ ମର୍ଡର୍ ହୋଇଛି, କେହି ଛାଡ଼େନି, ଆଖିରୁ ସବୁ ଲୁହ ବି ସରିଗଲାଣି, କେତେ ଦୌଡ଼ିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ରହୁନି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଆଇନ, ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଶାସନ। ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମାଟିକି ସମ୍ମାନ। ସେ ମାଆ ପୁଅ ହରାଇଛି, ନବୀନଙ୍କର ତ ସଂସାର ନାହିଁ ନା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମାଆ ପୁତ୍ର ହରା ହେଲେ କେମିତି ଦୁଃଖ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଏ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇପାରୁନି ତଦନ୍ତ? ନା ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି ପୋଲିସ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ ରଖିବା ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।